अगर हम पुलिस वालों के आगे पी करते हैं तो वो हमें कुछ नहीं कहेंगे बल्कि हट जाएंगे वहाँ से। तो मैं आ चुका हूँ इस मिथ को टेस्ट करने के लिए लॉस सैंटोस पुलिस स्टेशन पे। जल्दी से सामने वाले हवालदार के आगे पी करते हैं। फिलहाल मुझे इस हालत में उसने देखकर अपनी गन पर तो हाथ रख लिया है। जैसा करते हैं इसके बिल्कुल आगे पी करेंगे। और ये क्या, इसने तो मेरे को अरेस्ट कर लिया। तो ये मिथ बस्टेड है। आज हम ऐसे ही मिथ्स को कंफर्म या फिर बस्टेड करने वाले हैं। तो प्लीज यार माय फेवरेट जो कि लास्ट में थे उसको देखना मिस मत करना। अगर हम 247 स्टोर वाले मालिक को बिना गोलियों वाले पिस्टल से एम करेंगे तो वो हमें पैसे नहीं बल्कि गालियां देगा। तो मैं आ चुका हूँ 247 स्टोर में। जल्दी से अंदर चलते हैं एंड इसके ऊपर एम करते हैं। देखते हैं ये हमें पैसे देता है या नहीं। पैसे देने की तो ये सोच भी नहीं रहा। और ये कैश ले तो भाई मिडिल फिंगर भी दिखा दी। गजब बेइज्जती है। एक सेकंड, इसे अभी बताते हैं। ये अपनी बेइज्जती करेगा भाई तेरी ऐसे कि ऐसे इसको मैंने मार दिया भाई गया। एंड ये मिथ कंफर्म है। अगर हम पुलिसमैन के प्रिजन में जाएंगे तो वो प्रिजन वाले गार्ड्स एंड पुलिस वाले हमें नहीं मारेंगे। तो मैं चुका हूँ प्रिजन में। जल्दी से अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि ये हमें मारते हैं या फिर नहीं। नहीं यार, ये पुलिस वाले एंड प्रिजन के गार्ड्स हमें मार रहे। तो देखा अपने लापरवाही का नतीजा। इसका मतलब कि ये मिथ बस्टर्ड है। नेक्स्ट मिथ है कि मॉन्स्टर ट्रक के टायर्स को कभी भी हम पंक्चर नहीं कर सकते। तो मेरे पास एक मॉन्स्टर ट्रक खड़ी थी तो जल्दी से मैं अपना पिस्टल निकालता हूँ। एंड यार वाकई में इसके टायर तो पंक्चर होने का नाम ही नहीं ले रहे। गन से शूट करता हूँ लेकिन नहीं, इसके टायर पंचर नहीं हो रहे। तो ऐसा करता हूँ बस ग्रेनेड से ही गुस्से में आकर इसको फुल ब्लास्ट कर देता हूँ। ये मैं कंफर्म है। अगर हम ट्रक से बिल्ली को मारेंगे तो वो नहीं मरेगी। तो सामने मेरे एक बिल्ली है, जल्दी से इसको मारने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कार वाला इसे मारने वाला था लेकिन अच्छा हुआ कि बच गया। ऐसा करता हूँ आगे वाले टायर से इसको खत्म करते हैं। नहीं यार ये तो मर गई। हाँ ये मर गई। इसका मतलब कि ये मिथ यार बस्टर्ड है। नेक्स्ट मिथ है कि ब्लिम कभी भी पानी में नहीं डूबेगा, ये हमेशा फ्लोट करता रहेगा। तो मैंने अपने ब्लिम को यार पानी में डाल दिया लेकिन नहीं, ये फ्लोट ही कर रहा है, ये डूबने का नाम ही नहीं ले रहा। ये मिथ सच में बहुत क्रेजी था एंड कन्फर्म है। अगर हम GTA 5 में ऐसे NPC को मारते हैं जिसके पास पेट है तो उसका पेट हमें काट लेगा। फिलहाल जल्दी से इस वाले आदमी को एक ही मुक्के में खत्म करते हैं। देखते हैं कि इसका पेट हमें मारता है या नहीं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। हाँ यार इसका पेट मुझे काट रहा है। इसका मतलब कि ये मिथ भी कंफर्म है। अपनी नेक्स्ट मिथ है कि हम लाइट हाउस वाली साइड से एक रस्टी ट्रैक्टर ले सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ लाइट हाउस के पास। जल्दी से ऐसा करते हैं नीचे देखते हैं। फिलहाल यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा वैसा दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकंड मोरा ट्रैक्टर। लेकिन यार ये कैसे हुआ, जब हम आ रहे थे तभी तो कुछ भी नहीं था, अभी ये यहाँ पर कैसे आ गया। जल्दी से इसमें बैठते हैं, देखते हैं कि ये चलता भी है या नहीं। नहीं यार ये तो बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है, इसके पास इंजन भी है ट्रैक्टर में। यार ये मिथ कंफर्म है। नेक्स्ट मिथ है लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले शॉप के शटर के बीच में अपनी गाड़ी को पार्क करके फुल वेयर हाउस को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी को बीच में पार्क कर दी है। जल्दी से अंदर चलते हैं एंड हाँ यार हम आराम से इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड आई थिंक इस बंदी को भी पता नहीं चल रहा कि कोई आ रहा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि हम कोई भी वेपन नहीं उठा सकते। खैर कैसे भी ये मैं तो कंफर्म है। लास्ट में थे, अगर अपने पास पिस्टल है एंड हम किसी NPC से गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अपना प्लेयर उस NPC के ऊपर एम करेगा एंड उसके बाद ही उससे गाड़ी से निकाल कर गाड़ी में बैठ जाएगा। अच्छा तो ऐसा भी होता है क्या। मैं तो मैं आ चुका हूँ हाईवे पर, इस NPC से गाड़ी लेते हैं। लेकिन यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ, एम कुछ भी नहीं किया अपने कैरेक्टर ने। खैर दूसरी गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं एंड फिर उसे देखते हैं। हाँ यार यहाँ पर अपना प्लेयर एम कर रहा है, मतलब ये मिथ भी कन्फर्म। तो यही थी आज की मिथ्स। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी ऐसे मिथ्स हैं तो आप कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उनके ऊपर ही बना दूंगा। बाकी मैंने अपने GTA 5 में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को एक बहुत बड़ी ड्रैग रेस करवाई थी, अगर देखनी है तो इस वीडियो में आ जाओ।